इज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने अपना वीजा ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है एंड वीजा अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में सौ तरह के सवाल होते हैं सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप टेन मोस्ट आज क्वेश्चन जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे बार बार कॉमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम डी एम्स में या कई बार ई मेल्स पर भी पूछते हैं सो स्टेट ट्यून वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड चैनल को ग्रो करने में भी मदद करता है एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपके कोई भी सवाल हैं सो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना हम सारे ही कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं सबसे पहला सवाल जो कि हर कोई पूछता है वो ये है कि व्हेन विल आई गेट माय वीजा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड इसका बहुत ही आसान सा जवाब है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी की वेबसाइट पर हूँ मैं एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम्स इंडिविजुअल कैटेगरीज की ऑलरेडी मेंशन करी गई हैं तो ये गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है यहाँ पे सारी एवरेज प्रोसेसिंग टाइम्स लिखी हुई हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है डेफ़िनेटली कई केसेस होते हैं जिनमें कि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं आता है वीज़ा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़ा केस में कई लोगों का दस से पंद्रह दिन में ही आ जाता है वेरस कुछ लोगों का चार हफ्ते या उससे ऊपर कई बार दो महीने तक भी लग जाता है विच इज़ रेयर केस बाय द वे बट ऐसा देखा जाता है सो so, अगर आपको एक जनरल आइडिया चाहिए तो आप इस वेबसाइट से पता कर सकते हैं अदरवाइज़ प्लीज़ फॉलो आर चैनल हम इस चैनल पे वीडियोस लेके आते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे और जिसमें कि आपको वीज़ा की डिलेज़ क्या क्या चल रही हैं क्या क्या अपडेट्स हैं व्हाट आर द कॉमन प्रोसेसिंग टाइम्स जो कि देखने को मिल रहा है वो हम डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो बना के डालते हैं सो so, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाई इज़ माई वीज़ा डिलेड सो वह वीज़ा डीले के बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इस बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो जो हमारी थी सो so आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही डिटेल वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अभी तक देखी है सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट तीसरा पॉइंट इज स्टिक टू द टाइम लाइन्स कई बार क्या होता है कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर स्टूडेंट वीज़ा है वो लेट से 21 दिन दिखा रहा है या फिर uh, आपका विजिट वीज़ा जो है वो सेवन वीक्स का दिखा रहा है ऑन द जी ओ वी डॉट यू के की वेबसाइट पे लेकिन हम परेशान हो जाते हैं आफ्टर ओनली टेन टू फिफ्टीन डेज हमें लगता है कि ओके okay, हमारे दोस्तों का तो आ गया है या फिर उसका आ गया है बट मेरा क्यों नहीं आया है गाइज इट्स ओके हर इंडिविजुअल की फाइल डिफरेंटली प्रोसेस होती है सो so हो सकता है कि आपके केस में डिले किसी ना किसी रीजन से है सो प्लीज़ अडियर टू द प्रोसेसिंग टाइम्स मैंशन ऑन जी ओ वी डॉट यू के एंड अगर उस टाइमलाइन में आपके पास वीज़ा नहीं आ रहा है सो देन ओनली यू गो फॉर अ पेड इंक्वायरी सो नेक्स्ट मोस्ट आज क्वेश्चन इज़ कि ओके uh, okay, आप बायोमेट्रिक्स अपना दे के आगे कई लोगों को वी से मेल्स नहीं आती हैं या एस नहीं आती हैं या फिर डिसीजन uh, uh, आने की मेल नहीं आती कई लोगों के पास सो so इन किसी भी चीज़ों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है uh, कई बार सिस्टम इश्यूज हो जाते हैं फॉर एग्जांपल मैं भी जब अपना बायोमेट्रिक्स देके आया था मेरे पास जो uh, बायोमेट्रिक्स uh, की ईमेल थी वो नेक्स्ट डे आई थी रात के बारह बजे के आ, बाद आई थी शायद सो कई बार डिले हो जाते हैं एक्नॉलेजमेंट में सो इट इज़ एब्सोलूटली फाइन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल यू के वी आई को फॉरवर्ड की जा चुकी है कि नहीं सो so अगर आप अपना वीज़ा ट्रैक करना चाहते हैं तो वी एफ एस वीज़ा ऑनलाइन डॉट कॉम पर जा सकते हैं एंड वहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी वीज़ा वी एफ एस के पास ही है या फिर यू के वी आई को फॉरवर्ड हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पैम ई मेल्स के बारे में गाइज बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आप अपने जो भी वी एफ एस की ई मेल्स हैं जनरली वी एफ एस ग्लोबल से जो ई मेल्स आती हैं या यू के वी आई की ई uh, मेल्स आती हैं डिस्क्रिप्शन uh, में मैं उनकी ई uh, मेल को मैंशन कर दूंगा प्लीज़ उनको अपने ईमेल में जाके एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लें ताकि आपके पास जो भी ई आती हैं यू के वी आई से आ, कि आपका डिसीजन हो चुका है या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या कोई और भी दूसरी ईमेल अगर आती है उनसे तो वो स्पैम में ना जाए क्योंकि इसके ऊपर कई सारे रिजेक्शन हमने ऑलरेडी देख रखी हैं कि यू ने आपको दस दिन का टाइम दिया था टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हो गया था सिक्स पॉइंट इज जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आ जाता कोई भी कम्युनिकेशन जो कि यूके वी से आ रही है प्लीज डो नॉट टेक इट एज नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की कोई ई आ रही है इट इज नॉट अ नेगेटिव ई मेल दिस इज वेरी कॉमन ये हमारे केस में भी हुआ था निधि से भी उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे एक्सपीरियंस लेटर्स एंड गैप एक्सप्लेनेशन सो इट इज़ वेरी कॉमन नथिंग टू वरी अबाउट अगर आपके पास यू के वी आई से नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की ई मेल आ रही है सो so उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द नॉर्मल ई मेल दैट यू के वी आई सेंड्स ये ना तो नेगेटिव ई मेल है ना तो पॉजिटिव ई मेल है इट्स जस्ट दैट देर आर सम एक्स्ट्रा मैंडेटरी कंप्लाइंस चेक्स जो कि आपके एप्लीकेशन में होने हैं एंड दैट इज वाई इट्स टेकिंग सम मोर टाइम साथ ही साथ वो आपसे आपके बैंक का तीन मंथ का स्टेटमेंट मांग सकते हैं सो so अगेन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है जो भी जेन्यन डॉक्यूमेंट्स हैं लेट से आपने अपने पेरेंट्स से या अपने स्पाउस से फंड uh, अपने अकाउंट में डलवाए हैं तो आप उनके बैंक स्टेटमेंट uh, शेयर कर सकते हैं एक साथ में कवरिंग लेटर जरूर लगा दें जिसमें मेंशन कर दें कि दिस इज द सोर्स ऑफ फंड्स और साथ ही साथ स्टेटमेंट लगा दें सो अगेन इट इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव जस्ट यूजुअल प्रैक्टिस कईयों के साथ होता है इसी के साथ एक और सिनेरियो बनता है जिसमें लोग घबरा जाते हैं कि स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट का वीजा आजकल साथ में नहीं आ रहा है सो इट इज वेटी क्लियर कि सितंबर इंटेक इज वेरी क्लोज एंड टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है इसलिए यूके वीआई जो है स्टूडेंट वीजा को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है एंड मोस्टली अगर आप स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट्स दोनों साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स का कई बार देखा जा रहा है कि टेन टू फिफ्टीन डेज में ही रिजल्ट आ जा रहा है वेरस डिपेंडेंट्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बट इट इज स्टिल जनरली स्पीकिंग ट्वेंटी फाइव डेज ट्वेंटी वन डेज के अंदर अंदर आ जा रहा है एंड दिस इज अगेन ड्यू टू डिलेज एट वी एफ एस इसमें यूके वी आई की तरफ से भी डिले नहीं है कई वी एफ एस सेंटर्स पे ओवरलोड होने की वजह से वीजा स्टैंपिंग एंड डिस्पैच में डिले आ रहा है सो डो नॉट टेक इट एज अगेटिव और अ पॉजिटिव साइन बस पेशेंस रखें आपका भी डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा ओके okay, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं पेड इंक्वायरी करूँ या ना करूँ कई लोग के एजेंट उनको बोलते हैं कि नहीं पेड इंक्वायरी करने से आपका वीज़ा पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर अभी नहीं करेंगे दो हफ्ते बाद करेंगे तीन हफ्ते बाद करेंगे नहीं, कई दिस इज एब्सोलिटली नॉट ट्रू पेड इंक्वायरी से आपके वीज़ा पे ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनफैक्ट एक परसेंट चांस है कि वीजा अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से डिले चल रहा है और कंप्लाइंस चेक्स आपकी पेंडिंग है तो यू वी आई में एस्केलेट फॉर अ एक्सपीडाइटेड रिस्पॉन्स Please अगला पॉइंट है पेशेंस आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है ना ही आपके एजेंट के हाथ में है कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस या आपको वीज़ा जल्दी लाने में मदद कर दें नहीं प्लीज इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल यू के वी आई को जितना टाइम लेना है वो लेगी कंप्लाइंस चेक्स में जितना टाइम लगना है वो लेंगे ही लेंगे सो so, अगर आप घबरा रहे हैं कि नहीं मेरा मेरा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं मेरी फ्लाइट्स हैं और भी दूसरे रीजंस की वजह से आपको लग रहा है कि आपका वीजा में डिले हो रहा है ट्रस्ट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हद से हद ये कर सकते हैं कि अगर आपका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा ले रहा है आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं बट उससे भी खाली दिल को तसली मिलती है और कुछ नहीं मिलता है अगर आपकी वीजा की फाइल पे डिसीजन आ भी गया है इट स्टिल मे टेक अप टू अपन बिजनेस डेज फॉर द वी एफ एस टू डू द स्टैंपिंग एंड डिस्पैच योर पासपोर्ट उसमें भी आपके हाथ में कुछ नहीं है बहुत रेयर केसेस मैंने देखे हैं कि एप्लीकेंट डायरेक्ट वी एफ एस की पासपोर्ट कलेक्शन डेस्क पे गए और वहाँ पे उन लोगों ने उनका पासपोर्ट उनको दिया राइट right, बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है आप डेफिनेटली ट्राई करना मोस्ट ऑफन देन नॉट वहाँ पे रिस्पॉन्स यही होता है कि अभी आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी नहीं है सो प्लीज़ ट्राई करें कि जब आपके पास डिस्पैच की ईमेल आए तभी आप वी uh, एफ पे जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने की कोशिश करें और अगर आपने कुरियर की सर्विस ले रखी है तो प्लीज़ कुरियर का वेट करें ताकि आपके घर पे पासपोर्ट डिलीवर हो सके पासपोर्ट को ट्रैक कैसे करना है इसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना रखी है आई बटन पे आप क्लिक करके उसको भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं ब्लू डार्ट की वेबसाइट पर जाना है आपको वहाँ पर रेफरेंस नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड देन अपना पासपोर्ट uh, ट्रैक करना है कई बार ट्रैकिंग uh, अपडेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है अगर अगले दिन भी आपका ट्रैकिंग अपडेट नहीं होता है प्लीज़ कॉल ब्लू डार्ट कस्टमर केयर ब्लू डार्ट कस्टमर केयर विल बी एबल टू टेल यू कि आपका कुरियर कहाँ पहुँचा है अगर कोई सिस्टम इश्यूज़ हैं तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे गई ट्रस्ट में वीज़ा फाइल करने के बाद का जो पीरियड होता है इट इज़ वेरी पेनफुल हम उस दौर से गुजर चुके हैं सो हमें दर्द पता है लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जो ऑफिशियल टाइमलाइंस हैं उसको फॉलो करें अगर आपके पास यूके वीआई मेल कर रही है कि प्लीज़ वेट फॉर 15 डेज या प्लीज़ वेट फॉर 10 डेज सो कई प्लीज़ उन टाइमलाइंस को फॉलो करें अगर आप किसी दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो so आप बार बार पेड इंक्वायरी कर रहे हैं या अपने एजेंट से भी बार बार सवाल कर रहे हैं uh, इससे आपका वीज़ा जल्दी नहीं आ पाएगा अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ डाइवर्ट योर माइंड घूमने चले जाओ रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओ दोस्तों के पास चले जाओ मूवीज uh, देख लो अगर आप केवल वीजा के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे सो गाइस is... आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ सवाल ले लेते हैं सो गाइस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द लास्ट वीडियो जो कि हमने पोस्ट करी थी uh, इज़ योर your UK वीज़ा delayed? अगर आपने नहीं देखा ऑलरेडी सो प्लीज़ गो देट एंड वॉच इट बहुत डिटेल uh, वीडियो है एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी आ रहा है विद इन थ्री डेज यू कैन सी चौदह सौ कॉमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं उस पर सो सो डू वॉच दिस वीडियो रैंडमली हम uh, कुछ क्वेश्चन लेंगे कॉमेंट में से ही सो so, uh, कास्था जी पूछ रहे हैं कि हाई गाइज डिड माई बायोमेट्रिक टूडे फॉर स्टडी वीज़ा प्रायोरिटी सर्विस वैन कैन आई एक्सपेक्ट माई डिसीजन

का डिसीजन आ जाएगा अच्छा इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कुछ फंड्स विड्रॉ किए हैं सो कास्ता जी डिपेंड करता है कि आपने कितने फंड्स विद्रॉ किए हैं रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग कॉस्ट का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर आपके बैंक में अभी भी अमाउंट uh, पड़ा हुआ है सो आप पैसे निकाल सकते हैं थोड़ा सा बैलेंस अप डाउन हो सकता है बट एट एनी स्टेज वो जो लिविंग कॉस्ट प्लस रिमेनिंग फी का जो अमाउंट है उससे नीचे नहीं आना चाहिए अदरवाइज आपकी वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है शानू जैन जी पूछ रही हैं व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक पेड इंक्वायरी सो शानू जी इसकी वीडियो बना रखी है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं हाउ टू डू द पेड इंक्वायरी अनुपम दास पूछ रहे हैं अप्लाइड फॉर डिपेंडेंट वीजा ऑन ट्वेल्थ ऑगस्ट बायोमेट्रिक्स इन वी कोलकाता एनी आइडिया हाउ फास्ट स्लो इन इज कोलकाता वी एफ एस सो अनुपम uh, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कोलकाता वी एफ एस में uh, क्या स्लो क्या फास्ट है बट बट टू गिव यू जनरल आइडिया ये वी एफ एस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका वीज़ा कितनी जल्दी आएगा या कितना लेट आएगा uh, क्योंकि वी एफ एस जो है आपकी एप्लीकेशन को यू के वी आई को फॉरवर्ड करती है विच यू के वी आई का जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है वो एक तो शेफील्ड में है सो यू के में ही आपकी डिसीजन मेकिंग होती है एंड देन वो डिसीजन होने के बाद वी एफ एस को डिसीजन फॉरवर्ड किया जाता है द ओनली फैक्टर जहाँ पे वी का रोल है वो है आपकी कितनी तेज वो स्टैम्पिंग कर पा रहे हैं और कितनी तेज़ी से डिस्पैच कर पा रहे हैं आपके पासपोर्ट्स सो केवल और केवल वो एक एरिया है जहाँ पे डिलेज uh, होती हैं एंड बी एफ टू वी ये वेरी कर जाता है बट अगेन जनरली स्पीकिंग ज़्यादा से ज़्यादा चार से पाँच दिनों का ही डिफरेंस होगा पंजाब साइड बी जो है वहाँ पे ओवरलोडेड रहते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्पैच में डिले जाते हैं वेरज कोलकाता uh, में थोड़ा सा डिस्पैच में फास्ट uh, हो सकता है सो दिस इज इट गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक जरूर करना चैनल को ग्रो करने में मदद करता है एंड हमें मोटिवेशन देता है एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल हमारी वीडियोज़ को लोग देख तो बहुत ज़्यादा रहे हैं पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हमारे पास कॉमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं बट नाइन्टी परसेंट लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल हमें बहुत अच्छा लगेगा हमें मोटिवेशन मिलेगी थैंक्स अगेंड फॉर वॉचिंग एनआलसी नेक्स्ट वन